हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पार्ट 5 हम बात करेंगे जो प्रोजेक्ट डाउनलोड सिस्टम है, जो वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसमें। आज पार्ट 5 में हम जो कंटेंट पे जो बनाएंगे। दोस्तों, हमने जो प्रीवियस वीडियो है, जो पार्ट 4 है, उसमें बताया कि जो यूज़र पैनल है उसका मास्टर पेज है उसको कैसे क्रिएट करें, और हमने जो मास्टर पेज है उसको क्रिएट किया है। आज दोस्तों, हम जो उस मास्टर पेज है उसके जो सारे कंटेंट पेज है उसको हम क्रिएट करेंगे। जो भी मास्टर पेज है हमारे मास्टर पेज के अंदर, जो 5 कंटेंट पेज अभी हो गए, जो 5 मेनू हो गए, उसमें फर्स्ट जो पहला है वो होगा होम, उसके बाद जो सेकंड है वो होगा अबाउट, उसके बाद जो थर्ड है वो होगा आइडियाज़, यानी कि आइडियाज़ के दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ का एक हम मेनू ऐड करेंगे, और जो फोर्थ नंबर का मेनू होगा वो होगा प्रोजेक्ट का, और उसके बाद जो 5 नंबर का है वो है वीडियो का। तो ये दोस्तों मेन हमारे जो मेनूस हो गए, वो मेन मेनू F5 हो गए। जो हम दो पैनल बनाएंगे, जो पहली होगी वो होगी यूज़र पैनल, और जो सेकंड वन है वो होगी एडमिन पैनल। सेकंड जो पैनल है वो होगी एडमिन की पैनल, एडमिन पैनल। दोस्तों, हम तो ऐसे हम दो जो पैनल है उसको क्रिएट करेंगे, और जो यूज़र पैनल है, ये जो आप सारे मेनूस देख रहे हो, होम, अबाउट, आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स और वीडियो, ये है यूज़र पैनल के मेनूस। तो इसके अंदर दोस्तों F5 कंटेंट पेज हमें सबसे पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हमें मास्टर पेज के अंदर विजुअल स्टूडियो में हम ये जो 5 पेज है उसको क्रिएट करते हैं। हमें जो विजुअल स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको आपको ओपन कर लेना है। फाइल मेनू में जाके, वेबसाइट में जाके अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, जो DLD प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने जो यूज़र्स का फोल्डर बनाया है उसके अंदर हमने यहाँ पे मास्टर पेज क्रिएट किया है, यूज़र मास्टर डॉट मास्टर, ये हमारा मास्टर पेज। उसके अंदर हमने एक जो होम मेनू का कंटेंट पेज बनाया था। अब हमें जो 4 और है कंटेंट पेज उसको बनाने पड़ेंगे, उसको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, आप जो यहाँ पे मास्टर पेज है, यूज़र मास्टर, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पर आपको जो ऐड न्यू कंटेंट पेज का ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, ऐड कंटेंट पेज ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसको आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो एक जो कंटेंट पेज है वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो कंटेंट पेज होगा, जो ऐड होगा उसका नाम फॉर्म में होगा, वेब फॉर्म 1, वेब फॉर्म 2, वेब फॉर्म 3, ऐसे जो फॉर्म्स हो गए। तो आपको यहाँ पे रीनेम करके जो उस फॉर्म्स है उसका नेम है उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे वेब फॉर्म 2.xpx का नेम है, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और जो रीनेम का ऑप्शन है उस पर आएंगे, और जो भी फॉर्म्स का नेम है उसको हमें चेंज कर लेना है। यहाँ पे हम अबाउट नाम दे देते हैं, अबाउट, और उसके बाद एंटर करके सेव कर लेना है। यहाँ पे जो ये जो कंटेंट पेज है वो अबाउट का हो चुका है। हम इसके अंदर कुछ लाइन है उसको ऐड कर देते हैं डेमो के लिए। यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ करके कुछ भी लिख देते हैं, अबाउट लिख देते हैं, अबाउट करके सेव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड पेज है उसको आइडियाज़ का है, तो उसमें हमें जो भी यूज़र मास्टर पेज है उस पर फिर से आना है और उस पर राइट क्लिक करना है। जो ऐड कंटेंट पेज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, जो न्यू जो वेब फॉर्म 3 है वो ऐड हो चुका है, तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आइडियाज का है, तो डेमो के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइडियाज, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आइडिया लिख देते हैं तो समझने में आसानी रहेगी, प्रोजेक्ट आइडियाज। और जो वेब फॉर्म है उसको एक बार रीनेम कर देते हैं, पे वेब फॉर्म 3 है तो हम वेब फॉर्म 3 को यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे ऐड के इसको आइडियाज नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं। तो हमने ये जो तीनों जैसे ऐड किए, होम, अबाउट और जो आइडियाज, वैसे ही हमें प्रोजेक्ट्स और जो वीडियोस का जो मेनू है उसके कंटेंट पेज बनाने पड़ेंगे। फिर भी वही सेम जो हमने प्रोसेस किया, वही मास्टर पेज पे राइट क्लिक करने के बाद जो कंटेंट पेज पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे जो नेम है उसको चेंज कर लेना है। यहाँ पे वेब फॉर्म 4 है तो उसको रीनेम करके हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम ऐड कर देना है, प्रोजेक्ट, और सेव कर लेना है।
उसके बाद फिर से एक पेज को हम क्रिएट करेंगे जिसको हम वीडियोस का कंटेंट पेज बनाएंगे। यहाँ पे यूज़र पे आना है फिर से, उसके बाद जो ऐड न्यू कंटेंट पेज है उस पे आना है। जैसे ही कंटेंट पेज ऐड हो जाए दोस्तों तो उसको रीनेम कर देना है। फिर रीनेम में जाके वीडियो नाम दे देते हैं। अब दोस्तों जो भी फॉर्म्स का नाम है वो दे सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार आप जो भी फॉर्म्स का, लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप रेफरेंस दे रहे हो जो भी मास्टर पेज है, जो हमने HTML में क्रिएट किया हुआ मास्टर पेज है उसमें आप जब HREF में जब ऐड कर रहे हो तभी जो भी आपने फॉर्म्स का नाम दिया है वो सही से आपको लिखना है, तभी यहाँ पे रन होगा, वरना कोई ना कोई एरर ज़रूर आएगी। तो हमने ये जो लास्ट में जो बनाया है जो वीडियो का, उसको भी हम कुछ कंटेंट उसके अंदर डेमो के लिए लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। वीडियो प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल कंट्रोल एस, उसके बाद हमने जो एक आईडीएस का क्रिएट किया, प्रोजेक्ट्स, यूजर नेम जो सारे है वो आ चुके हैं। जो लास्ट में था वीडियोस का, उसके बाद है प्रोजेक्ट्स का। तो हम प्रोजेक्ट्स का जो भी है उसमें भी कुछ डेमो के लिए कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे H1, उसके बाद H1 के अंदर हम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट डेमो कंट्रोल एस। दोस्तों हमने जो जो 5 कंटेंट पेज है उसको ऐड कर दिए, और ये जो 5 पेज है उनको हमने मास्टर पेज में उस मेनू की लिंक को ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी यूज़र वाला मास्टर पेज था उसको ओपन करना है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आके जो यूज़र मास्टर पेज है उसको ओपन करें, जो भी अपने यूज़र के फोल्डर के अंदर बना हुआ है यहाँ पे यूज़र मास्टर पेज, उस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपन हो चुका है। जे और बॉडी वाले पार्ट्स पे आ जाने हैं, जहाँ पे भी आपके जो मेनूस है, जो मेनूस यहाँ पे देखे नज़र आ रहे, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट आइडियाज, वीडियोस और कॉन्टेक्ट। दोस्तों हमने कॉन्टेक्ट का एक आप ऐड अलग से कर सकते हैं, अभी के लिए हमने नहीं किया, हमने सिर्फ ये 5 ही ऐड किए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कॉन्टेक्ट वाला पेज है उसको कमेंट कर देना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको कमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो होम है, होम का यहाँ पे HREF है, पहले से ही home.exe सेट है। उसके बाद जो अबाउट, अबाउट में दोस्तों हमने जो नया अबाउट पेज बनाया है उसमें हमने जो कैपिटल के जो फॉन्ट है वो नहीं लिए हैं, तो हमने जो स्मॉल फॉन्ट लिए है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अबाउट को चेंज कर देना है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का मेनू से वो हमारा क्या है, आइडियाज का मेनू है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, कट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल डी। तो यहाँ पे आइडियाज और जो यहाँ पे HREF है वहाँ पे स्पेलिंग है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये जो भी स्पेलिंग है रीनेम वाले ऑप्शन पे आके आप इस फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे यूज़र वाले मास्टर पेज पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों आपको स्पेलिंग अच्छे से आती है, अच्छे से आप लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए ताकि दोस्तों कोई भी एरर ना आ सके। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट्स का मेनू है, तो प्रोजेक्ट्स का मेनू है उसमें तो सही है, देखो project.exe जो रेफरेंस है वो आ चुका है। उसके अलावा एक पेज बनाएंगे हम वीडियो का, वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा हुआ है तो थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं, जो पहला फॉन्ट था वो कैपिटल था वीडियो। उसके बाद तो दोस्तों हमें इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके चेक कर लेना है कि जो भी हमने मेनू सेट किए हैं उसके जो भी कंटेंट पेज बनाए वो सही से चल रही है या नहीं, तो हम इसको यहाँ से रन करते हैं। हो चुका है, यहाँ पे देखे जो है सारे मेनू से थे हमने ऐड किए थे 1x1, होम, अबाउट, आइडियाज, प्रोजेक्ट्स और वीडियोस। तो हम उस मेनू को चेक कर लेते हैं, ये जो पूरा था वो हमारा जो होम पेज और मास्टर पेज था। यहाँ पे आके हमें जो होम जो अबाउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अबाउट लिखा हुआ आ जाता है। बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे जो भी कंटेंट पेज था उसमें चेंज कर लेना है। उसके बाद जो आइडियाज वाले मेनू पे चेक करते जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडियाज आ चुका है। उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट डेमो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो डेमो का आ चुका है, और वीडियो पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल जो वीडियो है वो लिखा हुआ आ चुका है। तो दोस्तों ये सही से रन हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें दोस्तों कंटेंट पेज में हम जो फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे, जो भी कंटेंट पेज अलग अलग मेनू से उसकी जो भी सारी फैसिलिटीज़ है उसको ऐड करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।